पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियां शुरू कर चुकी है। सबकी नजर इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाली चुनाव पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टक्कर देने खुद पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच चलता शाब्दिक युद्ध सब जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही है। अब टीएमसी ने कोरोना सर्टिफिकेट में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और इसके साथ ही देश भर में कोरोना वायरस के टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। दरअसल COVID-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई, जिसे विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया और उसे भाजपा का सेल्फ प्रमोशन बताया। पश्चिम बंगाल में इससे पहले निशुल्क टीका देने को लेकर भी टीएमसी और बीजेपी में विवाद हुआ था। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी। वो इसलिए मांग की थी क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव है, इसलिए बंगाल के लोगों को त्वरित गति से टीका लगाए जाने की जरूरत है। इस कारण बंगाल को अधिक टीका मुहैया कराया जाए। बंगाल सरकार टीका खरीदने के लिए तैयार है और बंगाल की जनता को निशुल्क टीका दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव।